हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी सेंट्रल। आज हम शुरू करने वाले हैं बॉटनी, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड क्लास प्लस वन। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल पहला चैप्टर जो बॉटनी में है, दैट इज चैप्टर नंबर 11 एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। नाउ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हैव सेवरल थिंग्स, बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में काफी सारे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट्स के बारे में। तो कितने ट्रांसपोर्ट हैं, उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और किस तरह से उनका सब चीजें चलती हैं। तो देखिए, चार तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक है डिफ्यूजन, दूसरा इसमें आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीसरा है ऑस्मोसिस एंड फोर्थ वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस वीडियो में हम डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को कवर करेंगे, और अगले वीडियोस में डेडिकेटेड वीडियोस होंगी ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। ये चारों जो हैं इनके बारे में एक जनरल सा आइडिया हम ले लेते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ये चार, इसमें से क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट है? तो डिफ्यूजन में कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, देर इज नो एनर्जी कंजप्शन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी किसी तरह की एनर्जी को यूज नहीं किया जाता, नो एटीपी इज यूज्ड। ऑस्मोसिस में भी सेम कंडीशन है, बट यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो भी प्रोटीन्स इंक्लूडेड होते हैं वो एनर्जी को यूज करते हैं। दूसरी इसमें चीज आती है कैरियर प्रोटीन। क्या कैरियर प्रोटीन्स इंक्लूडेड होते हैं डिफ्यूजन में? नहीं, देयर इज नो कैरियर प्रोटीन इंक्लूडेड, बट यस, ऑस्मोसिस में किसी भी तरह का कोई कैरियर प्रोटीन इंक्लूड नहीं होता, देर इज नो कैरियर प्रोटीन। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यस, द कैरियर प्रोटीन इज इन्वॉल्व, ठीक है। जो भी चीज है ऑस्मोसिस की, ये मैंने यहां पे नो लिखा है, इसका मतलब ये है कि कोई एक्टिवली, मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व प्रोटीन नहीं है, बट ये एक अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। वहां पर बहुत सारे चैनल हैं, गेटेड चैनल्स होते हैं, ओपन चैनल्स होते हैं, तो वो सबके सब ऑस्मोसिस के रेट को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ जाता है। तो हम पढ़ते हैं कि ऑस्मोसिस में यस और नो दोनों ही चीजें हैं, कि प्रोटीन इन्वॉल्व हो भी सकते हैं और प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट कोई जरूरी भी नहीं होता, ठीक है। इसके बाद एक चीज और आती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का सिंपल सा एक मतलब है, एक जगह पर किसी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है और उससे कनेक्टेड दूसरा सिस्टम, यानी हम किसी भी चीज की बात करें, मैं जिस रूम में हूं, दिस रूम इज अ स्टैंड अलोन सिस्टम, इसका एक एनवायरमेंट है, और जैसे ही ये किसी दूसरे सिस्टम के साथ कॉन्टेक्ट करता है, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्ट है या कुछ भी, तो वो दो सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक सेल है, न्यूक्लियस इज वन सिस्टम, साइटोप्लाज्म ऑफ सेम सेल इज अनदर सिस्टम, ठीक है। ऐसा ही सेम चीज, एक सेल जो है वो अपने आसपास के एनवायरमेंट के साथ सिस्टमैटिक रिलेशनशिप में रहता है। तो अगर कंसंट्रेशन किसी भी चीज की, वो सॉल्वेंट की हो सकती है, वो सोल्यूट की हो सकती है, कहीं भी ज्यादा है, तो वो मूवमेंट जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, कंसंट्रेशन अगर एक जगह पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक जगह पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और ये जो कंसंट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये हमेशा कहलाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो जो डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग काम करता है, यानी डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है हाई टू लो, ठीक है। जो डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस है, ये भी हमेशा हाई टू लो जाता है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी हाई टू लो जाता है, बट इसमें थोड़ी सी हमारे पास काफी सारे चेंजेस हैं,
तो जब हम डिफ्यूजन पढ़ेंगे और ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तो एक छोटा सा डिफरेंस कर लेंगे इन दोनों के बीच में क्या होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी सेल के अंदर ग्लूकोज की कमी हो रही है, ठीक है, बॉडी जो है कंप्लीटली स्टार्वेशन में है, यानी उसमें ब्लड में भी ग्लूकोज कम है, बट द सेल विल नीड पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कॉन्टिन्यूअसली। अब कंसेंट्रेशन, कुछ कंसेंट्रेशन ज्यादा है ऑलरेडी सेल के पास, बट उसे और ग्लूकोज चाहिए, तो सेल के जो बॉडी है उसके ब्लड में कम है। अब कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट तो सेल के तरफ ज्यादा है, यानी सेल के पास हाई कंसेंट्रेशन है, बट स्टिल द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इज फ्रॉम द ब्लड टुवर्ड्स द सेल। तो ये चीज जो होगी वो होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। इसीलिए ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है, और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब, अब देखिए, आप जब ऊपर पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक। एनर्जी खर्च अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट जब कोई भी पहाड़ी से नीचे उतरता है तो ग्रेविटी भी काम करती है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो है, तीनों तरीके के ट्रांसपोर्ट, ये हमेशा बिना किसी एनर्जी को यूज किए और हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ये दोनों प्रोसेस जो है स्लो है, ये स्लाइटली फास्टर है, और ये जो प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ये फास्टेस्ट है। और इन दोनों डिफ्यूजन के बीच में भी अगर हम वो करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अगेन फास्टर देन द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। बिल्कुल सबसे पहले डिफ्यूजन, आप अपनी डेली लाइफ में डिफ्यूजन हर जगह पर देखते हैं। जैसे ही कुछ भी किसी ने डिओड्रेंट लगाया या कोई सेंट लगाता है या किसी तरह का कोई एरोमेटिक कंपाउंड जिसकी खुशबू होती है, वो अगर किसी भी जगह पर ओपन कर दिया जाता है तो वो अपने मॉलिक्यूल्स को, अपने कंपाउंड्स को, अपने एटम्स को कंप्लीटली पूरे सिस्टम में, यानी अगर मैं इस जगह पर पर्टिकुलरली अगर कोई वोलेटाइल कंपाउंड अगर ओपन करता हूं, तो वो मॉलिक्यूल्स तब तक मूव करेंगे जब तक कंसेंट्रेशन इस कंप्लीट रूम में इक्वल ना हो जाए, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहां कंसेंट्रेशन क्या है, हाई है, ठीक है। अब यहां हाई कंसेंट्रेशन है और यहां लो कंसेंट्रेशन है, तो ये पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे, तब तक मूव करते रहेंगे जब तक इस जगह की कंसेंट्रेशन और इस जगह की कंसेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती, ठीक है। मैं बना देता हूं आपके लिए, ये सिस्टम किस तरह का होगा। सपोज ये क्लोज्ड कंटेनर है और इसमें एक जगह पर कोई वोलेटाइल कंपाउंड प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एल्कोहल है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तब तक मूव करेंगे जब तक कंसेंट्रेशन पूरे सिस्टम में इक्वल नहीं हो जाती, एंड दैट स्टेट विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। द कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हेयर वर्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हेयर विल बी इक्वल, ठीक है। तो ये है आपके पास सिंपल डिफ्यूजन, एनर्जी कंजप्शन, नो एनर्जी कंजप्शन, नो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड, मूव अलोंग विद द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लो। प्लांट में क्या जरूरत है इसकी, प्लांट में जरूरत है इसकी गैसियस एक्सचेंज के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जब गैसियस एक्सचेंज होता है थ्रू स्टोमेटा, एक चीज। दूसरा, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जो दो प्लांट सेल आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ये प्लांट सेल वन है, ये टू है, और इनके बीच में ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा मूव करने के लिए, यानी सोल्यूट को मूव करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, ये ओपन पोर्स होते हैं और इनमें किसी भी तरह का कोई चैनल गार्ड नहीं करता, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस था। डिफ्यूजन के प्रोसेस को फैक्टर्स हैं कुछ, वो अफेक्ट कर सकते हैं। पहला फैक्टर है उसमें टेम्परेचर,
तो अगर आप किसी जगह का किसी मॉलिक्यूल का किसी कंपाउंड का टेम्परेचर जो है वो अप करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम लोअर हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन वो स्पीड अप हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। दूसरी चीज आपके पास आती है डेंसिटी। ठीक है, देखिए एक चीज तो है आपके पास जो आप डिओडोरेंट बॉडी पे लगाते हैं, ठीक। दूसरी चीज है आपके पास एक कार फ्रेशनर, कार जो सेंट रखा रहता है डैशबोर्ड पे, तो वो एक जेल की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि खुशबू दोनों चीजें देती हैं, बट जल्दी खत्म कौन होता है? जल्दी खत्म होता है डिओड्रेंट। क्यों? क्योंकि डिओड्रेंट इज अ गैस, ठीक है, जो प्रेशर के साथ बंद की गई है, बट दैट कार फ्रेशनर इज अ जेल। वो जेल जो है अपनी जो भी फ्रेग्रेंस है वो बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है। दोनों कंडीशंस में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, बट मटेरियल की डेंसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज इसमें आती है कनेक्शन, यानी दो सिस्टम। अगर मैं बात करूं प्लांट सेल के स्ट्रक्चर की, नॉर्मल अगर ओपन सिस्टम है, किसी भी तरह का कोई गार्ड नहीं है, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। बट कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा का नंबर जितना ज्यादा होगा डिफ्यूजन का प्रोसेस उतना ही ज्यादा स्पीड से होगा। और जैसे कि स्टोमेटा की हम बात करते हैं, डाइकोट प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा जो है वो सिर्फ नीचे की तरफ होते हैं और मोनोकोट प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा जो है बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अपर साइड और लोअर साइड पे। तो एक जगह डाइकोट प्लांट्स जहां पर वाटर ट्रांसपायरेशन कम होता है कंट्रोल कर सकता है प्लांट, बट दूसरा मोनोकोट प्लांट्स के अंदर क्या कंडीशन बनती है? मोनोकोट प्लांट्स के अंदर कंडीशन ये रहती है कि वहां पर वाटर ट्रांसपायरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये था कनेक्शन के बारे में। इसके बाद है कंसंट्रेशन। ठीक है, एक जगह जहां पर आपने कोई भी चीज को डिफ्यूजन के लिए छोड़ दिया तो मूवमेंट स्टार्ट होगी। अब देखिए सबसे पहले कहां पर सबसे कंसंट्रेशन हाई होगा? सबसे पहले कंसंट्रेशन हाई यहां पे होगा, उसके बाद कंसंट्रेशन यहां जाएगा, फिर इस तरह से मूव करता रहेगा आगे की तरफ। ठीक है, बट जब कंसंट्रेशन यहां से आगे चलता हुआ फाइनली इस जगह तक पहुंचेगा तो जो पिछला एरिया था वर्सेस जो अगला एरिया है उन दोनों के बीच में कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट इतना ज्यादा नहीं है जो इसके और इसके बीच में है। समझ गए आप? ठीक है, तो यहां से यहां पर मूवमेंट थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट कोई नहीं होती। और इसके बाद आता है प्रोसेस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देखिए जितना डिटेल में मैं करवा रहा हूं अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है प्रोटीन्स को एम्प्लॉय करता है, चैनल प्रोटीन्स को, अब ये चैनल प्रोटीन्स जो हैं यहां से मॉलिक्यूल को फैसिलिटेट करेंगे सेल के अंदर या बाहर दोनों ही तरफ ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सेम नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, बट यस द प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड एंड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस कैन बी सैचुरेटेड। मतलब सपोज करिए एक कहीं किसी जगह पर दो प्रोटीन्स हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों प्रोटीन्स के अंदर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एरिया है यहां से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्ट हो सकता है सिर्फ इस प्रोटीन और इस प्रोटीन की हेल्प से। तो ये जो दोनों प्रोटीन हैं वो अगर कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो एक बार में दो मॉलिक्यूल से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती, दैट इज सैचुरेशन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सैचुरेशन आती है। ठीक है, प्रोसेस थोड़ा सा फास्टर है क्योंकि डिफ्यूजन में चीजें लीक करती हैं और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रॉपर ट्रांसपोर्ट होता है।
हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन जाती है हमेशा, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये तीन तरीके का होता है। ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, सबसे पहली आती है आपके पास यूनिपोर्ट, दूसरी है इसमें एंटीपोर्ट, तीसरा इसमें सिंपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो स्पेसिफिक होता है, यानी एक पर्टिकुलर तरीके का चैनल प्रोटीन है जो है वो एक साइज से छोटे या एक पर्टिकुलर टाइप की पोलैरिटी को कैरी करते हुए सॉल्यूट को ही अंदर या बाहर ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके अलावा उसकी ट्रांसपोर्ट की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, सबसे पहला है यूनिपोर्ट, और यूनिपोर्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, यूनि मतलब वन और पोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट। तो यूनिपोर्ट के अंदर जो भी मॉलिक्यूल काम कर रहा है, जो प्रोटीन काम कर रहा है और जो सॉल्यूट ट्रांसफर हो रहा है वो एक बार में एक ही हो सकता है और एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। नो अदर टाइप ऑफ सॉल्यूट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, किसी भी दूसरे तरीके का सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। व्हाइल वन टाइप ऑफ सॉल्यूट इज ट्रांसपोर्टिंग इधर इनसाइड और आउटसाइड, सेकेंड कंडीशन आपके पास आती है एंटीपोर्ट की, और एंटीपोर्ट का मतलब है एक बार में दो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो सकते हैं, दोनों अलग अलग टाइप के। ठीक है, टाइप के लिए मैं कलर्स को यूज कर लेता हूं। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टाइप का ए सॉल्यूट है और नीचे वाला ये बी सॉल्यूट है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे से, और ये होता है एंटीपोर्ट टाइप का। और सिंपोर्ट में भी दोनों दो मॉलिक्यूल्स एक साथ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, बट डायरेक्शन हमेशा उनकी एक रहेगी। ये इस तरह से है, याद रखना, एक मॉलिक्यूल अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हुआ along with the first molecule, second molecule can also be transported inside, so this is A and this is B, दोनों जो molecules हैं वो एक ही साथ एक ही तरफ transport हो रहे हैं, that is simport condition. So that was me Vijay Punia, thank you so much everyone, this that was diffusion and facilitated diffusion, make sure to subscribe और bell icon को जरूर दबाइएगा ताकि series में upload की हुई अगली videos आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं, thank you so much.